गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। टुडे वी विल डू आवर बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12, आवर 5 सेंसेस। यस, फर्स्ट बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, मैच दीज सेंसेस विद द सेंस ऑर्गन। फर्स्ट है जैसे टेस्ट, टंग, साइट, आईज, स्मेल, नोज, टच, स्किन, हियरिंग, ईयर्स। सेकंड जैसे सेवंथ है, मार्क द फ्लोइंग ऑन द गिवन पिक्चर। तो ये जो पिक्चर्स दी हुई है, इसमें कौन सा पार्ट जो है कहाँ पे है, आप बुक की हेल्प से इसमें, ये जैसे कि ये है आयरिस, ये जो है ये लेंस, और ये ऑप्टिक नर्व, और ऐसे ही ईयर में जैसे ये वाला पार्ट है, ये है मिडल ईयर, और ये इनर ईयर, और ये है ईयर ड्रम, और ये आउटर ईयर। ठीक है, तो ये जो है इनके नेम्स आप यहाँ राइट करोगे बुक में। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज है सेकंड, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। फर्स्ट जैसे द आईज वर्क मच लाइक अ कैमरा। वी हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन अवर टंग। टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे होते हैं, टंग पे होते हैं, ऑन अवर टंग। द आउटर ईयर कलेक्ट द साउंड वेव्स। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। द ईयर ड्रम्स इज अ थिन स्किन इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर मतलब कि आउटर ईयर के बाद जब मिडल ईयर स्टार्ट होता है, तो वहां जो एक थिन स्किन लेयर होती है, जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज लाइक द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है वर्ड पावर। वर्ड पावर में हमें इसमें मैच करना अपोजिट वर्ड्स को। जैसे फर्स्ट है सेंड, रिसीव, बैक, फ्रंट, एंटर, एग्जिट, इनर, आउटर, लिक्विड, सॉलिड, इनेबल, डिसेबल, डिफरेंट, सिमिलर। ऑपोजिट वर्ड हमें इसमें राइट करना है, इसलिए डिफरेंट का क्या हो जाएगा, सिमिलर। सेंसिटिव का हो जाएगा इनडिफरेंट, और बिगनिंग का एंड, बिगनिंग एंड। नेक्स्ट है मैच द वर्ब्स विद द सूटेबल पार्ट ऑफ द बॉडी टू मेक सम कॉमन एक्सप्रेशन। जैसे कि बाइट योर नेल्स, बाइट योर नेल्स, तो बाइट जो वर्ब है वो किससे मैच होती है, नेल से। फोल्ड योर आर्म्स, ब्लो योर नोज, ब्लिंक योर आईज, बेंड योर नीज, पर्स योर लिप्स, शेक योर, यहाँ हेड दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा हैंड्स, हैंड्स, कम योर, सॉरी कॉम्ब योर हेयर। नेक्स्ट है मैच ईच आइटम विद द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमें जो है कौन सा पार्ट किस लिए यूज करते हैं, किस उसमें यूज में हो, मतलब यूज आता है, तो ये हमें इसमें मैच करना है। जैसे टाई नेक से रिलेटेड है, बेल्ट, वेस्ट, ग्लव जो होते हैं वो हैंड्स में हम जैसे पहनते हैं, वॉच, व्रिस्ट, टाइट, लेग्स, ट्रेनर्स, फीट, हेलमेट, हेड, गॉगल्स, आईज। There are 14 parts of the body hidden in this square. They are either cross or down the square. Can you find them? यहाँ इसमें 14 जो है body parts हैं। जैसे first है chin, toe, lip, back, eye, elbow, arm, nail, heel, chest, ankle. और ये जो है इस तरह से 14 जो है बॉडी पार्ट है, ये आपको इसमें चीक, चेस्ट। नेक्स्ट है ग्रामर इन यूज। ग्रामर इन यूज में कंप्लीट द क्वेश्चंस, ये इसमें क्वेश्चंस है और आंसर दिए हुए हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, जैसे कि आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी हमारे पास है नीरज, तो हमें जो है क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करना है कि हम जो आंसर क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर जो है इसमें सुटेबल होना चाहिए। सेकंड है जैसे आई एम 11,
तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ ओल्ड आर यू। थर्ड जैसे यस आई एम, और यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। फोर्थ है इन पटेल नगर, मीन्स यहाँ पे हम जो है किसी का एड्रेस बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बनेगा वेहर डू यू लिव, वेहर डू यू लिव, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, इन पटेल नगर। फिफ्थ है यस अ लिटिल सिस्टर, यस अ लिटिल सिस्टर, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना हैव यू अ ब्रदर और सिस्टर, हैव यू अ ब्रदर और सिस्टर। सेकेंड है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेज, हमें जो है ये सेंटेंसेज रीअरेंज करने हैं, तो इसमें जैसे ईयर्स, हियर, वी, विद, अवर, तो जो इसमें सेंटेंस जो है वो बनेगा वी हियर विद अवर ईयर्स, वी हियर विद अवर ईयर्स। सेकेंड है गिवन गॉड अस आईज हैज टू, तो ये इसका सेंटेंस बनेगा गॉड हैज गिवन अस टू आईज, गॉड हैज गिवन अस टू आईज। थर्ड है ए कैमरा अवर लाइक वर्क आईज, तो इसमें सेंटेंस जो है राइट सेंटेंस आपको कैसे राइट करना है, अवर आईज वर्क लाइक अ कैमरा, अवर आईज वर्क लाइक अ कैमरा। फोर्थ है सेल्स हैज डिफरेंट अवर नर्व स्किन, अवर स्किन हैज डिफरेंट नर्व सेल्स, अवर स्किन हैज डिफरेंट नर्व सेल्स। फिफ्थ है द सीपीयू अवर लाइक अ कंप्यूटर ब्रेन इज ऑफ, तो इसमें हमें ऐसे राइट करना है सेंटेंस को, अवर ब्रेन इज लाइक अ सीपीयू, अवर ब्रेन इज लाइक अ सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है इसमें जैसे री राइट इज सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड इन ब्रैकेट में, जो हमें ये रेड जो है कलर में जो वर्ड दिया हुआ है एनी एनी नो एनी, तो इनका हमें इसमें सेंटेंसेस में यूज करना है। इसमें वन जो रूल है जैसे कि एनी, एनी हमें किस एनी हम कहाँ यूज करते हैं, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें एनी का यूज होता है। इसलिए जैसे आई हैव गॉट नो ब्रेड टू ईट, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा आई हैव नॉट गॉट एनी ब्रेड टू ईट, आई हैव नॉट गॉट एनी ब्रेड टू ईट। नेक्स्ट है वी हैव नो प्रॉब्लम हेयर, एनी एनी का यूज करना है तो पहले हमें इसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, जैसे वी हैव नॉट, वी हैव नॉट गॉट एनी प्रॉब्लम हेयर। थर्ड है वी हैज नॉट गॉट एनी फ्री टाइम, और हमें यहाँ यूज करना है नो, तो नो जो है पॉजिटिव सेंटेंस में तो यूज होता है, तो इसलिए यहाँ हैज नॉट है, तो नॉट को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। सेंटेंस आपको राइट करना है ही हैज गॉट नो फ्री टाइम, ही हैज गॉट नो फ्री टाइम। फोर्थ है वी हैव गॉट नो पार्क फॉर चिल्ड्रन, तो सेंटेंस को एनी का यूज हम ऐसे करेंगे वी हैव नॉट गॉट एनी पार्क फॉर चिल्ड्रन, वी हैव नॉट गॉट एनी पार्क फॉर चिल्ड्रन। फिफ्थ है देयर इज नॉट एनी सुगर इन द पॉट, देयर इज नॉट एनी सुगर इन द पॉट, तो यहाँ नो का यूज करना है देयर इज नो सुगर इन द पॉट, देयर इज नो सुगर इन द पॉट। सिक्स्थ है देयर आर नो चेयर चेयर्स इन द रूम, देयर आर नॉट एनी चेयर्स इन द रूम, देयर आर नॉट एनी चेयर्स इन द रूम। सेवन्थ है देयर इज नो मिस्टेक इन दिस बुक, तो देयर इज नॉट एनी मिस्टेक, देयर इज नॉट एनी मिस्टेक इन द बुक। एट्थ वी डिडंट मेक एनी नॉइज इन द क्लास, नो का यूज करना है तो इसमें ऐसे बनेगा वी मेड नो नॉइज, वी मेड नो नॉइज इन द क्लास। फिल इन द ब्लैंक्स विद एट ऑन इन, हमें यहाँ क्या यूज करना है एट ऑन और इन का यूज करना है, तो इस तरह से यूज करना है जैसे कोई भी ईयर है तो वहां हम इन का यूज करेंगे इन 2010, नाइट के साथ एट का यूज होता है एट नाइट, एट टाइम के साथ एट 11:45, जैसे कि
मंथ डेट है तो ऑन 12 जून, ऑन 12 जून सीजन है तो इन समर, कोई भी फेस्टिव है तो एट क्रिसमस, मंथ है इन सितंबर, डे ऑन वेडनेसडे, टाइम जैसे कि इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ऑन क्रिसमस डे, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो यहाँ ऐसे हम जो है एट, ऑन, इन का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। ओके बेटा, थैंक यू। कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके बेटा।